एससी मम्मा सॉल्यूशन चैप्टर 16 साउंड वेव क्वेश्चन नंबर 62। अ ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड साउंड अ व्हीसल एमिटिंग द मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz। व्हाट कुड बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय स्कूटर ड्राइवर अप्रोचिंग द पुलिसमैन एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340। ओके, तो ये अपना पुलिसमैन है जो रेस्ट पे है, ठीक है, और ये स्कूटर है विथ स्पीड 36 km/h यानी मीटर पर सेकंड में 10 m/s है, और स्पीड ऑफ साउंड अपने को दे रखा 340। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसने विसल ब्लॉक किया उसका फ्रीक्वेंसी 2000 Hz है, तो इसने अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुना है वो कितना है वो अपने को फाइंड करना है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन टू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। ये होता है। ओके, अब यहाँ पे ये अपरेंस अपने को फाइंड करना है, प्लस माइनस कौन सा यूज़ करना है वो मेन है। तो देखो, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, वी। ओके, अब ऑब्जर्वर है वो, ये है स्कूटर ड्राइवर, और वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, साउंड की तरफ। तो साउंड की तरफ आएगा तो इसको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, और साउंड से दूर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो साउंड की तरफ आ रहा है तो ज़्यादा सुनाई देगी, यानी अपरेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो अपरेंट ज़्यादा रखने के लिए आपको प्लस लगाना पड़ेगा या माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाओगे तो अपरेंट कम हो जाएगी, तो प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस लगाओगे तो अपरेंट ज़्यादा होगी, यानी ऑब्जर्वर पास में आ रहा है तो आपको प्लस लगाना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वी, और सोर्स तो रेस्ट में, जिसने विसल ब्लो किया वो तो रेस्ट में, इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी अपने पास ये आ जाएगा 340 प्लस 10 अपॉन 340 इंटू 2000, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2058.82 Hz, या फिर बोल सकते हैं 2.06 kHz। कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, 2.06 kHz।